दो भाई बहुत ही प्यारा लगेगा। ब्लू जलाओ, ये देखो ये प्यारा है, साथ भी जला सकते हो। हाँ, तो ये देखो HJG का ब्रांडिंग नीचे कर दिया है, पूरा सेम एकदम ओरिजिनल जैसा ही है ये। ओ भाई, इसमें भी देखो साइड में भी एक DRL जैसा। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल AS Vlogs DNK में। तो आज मैं जो कंटेंट लेके आया हूँ, बहुत सारा भाई ने बोल रहा था भाई बाइक का इंडिकेटर के बारे में, तो कुछ स्टाइलिश और न्यू मॉडल इंडिकेटर दिखाने के लिए, तो उसके लिए ये वीडियो में लाया हूँ। तो आप देखिए पीछे बहुत सारे इंडिकेटर है, अभी आपको एक एक करके दिखाएंगे और उसका काम भी दिखाएंगे। उसके साथ HJG का मिनी ड्राइव और हैवी ड्राइव जो है वो भी आपको दिखाएंगे। 80 रुपया से लेके 650 या 700 तक आपको इंडिकेटर मिलेगा, ठीक है। बहुत ही सस्ता भी मिलता है, बहुत महंगा भी मिलता है। तो चलिए पहले वो सब देख लेते हैं। तो अभी देखो बहुत सारा इंडिकेटर अभी है, पहले सस्ता वाला देखते हैं। ये देखो ये जो इंडिकेटर है, ये आप KTM इंडिकेटर भी बोल सकते हो, सस्ता वाला 100 रुपया में दो आपको मिल जाएगा, 100 के आसपास। और लाइट का पावर देख लेते हैं भाई। देखो ये ब्लू है, ठीक है, इसे कैमरा से अच्छा से नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन ये ब्लू टाइप है, इसमें आप ऑरेंज भी मिलेगा, ये ब्लू टाइप है, ठीक है। 100 में दो आ जाएगा, 100 के आसपास, ठीक है। हर टाइम प्राइस अप डाउन होता रहता है, इसीलिए परफेक्ट प्राइस में नहीं बोल पा रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा वाला देखते हैं, मॉक्सी, जो KTM और RS में जो आता है ना ओरिजिनल वाला, उसका ही कॉपी है वो। तो एक एक इंडिकेटर 550 या 600 के आसपास होता है, लेकिन ये थोड़ा सस्ता मिलता है, ये 250 के आसपास आपको दो मिल जाएगा। देखिए पूरा सेम एकदम ओरिजिनल जैसा ही है, ठीक है। इसका कटिंग भी ओरिजिनल जैसा है। लाइट जलाओ, ब्लिंक करो भाई, देखो कितना पावर, देखो ठीक है, ये देखो बहुत पावर है। लाइट जलाओ, एक बार जलाओ जलाओ, ये देखो रिफ्लेक्ट हो रहा है नीचे, लाइट का पावर देख सकते हो, ये देखो ठीक है, ये देखो बहुत ही पावरफुल लाइट है। तो ठीक है, ये भी आप लगा सकते हो, एकदम देखो ओरिजिनल जैसा ही है, ठीक है। तो चलो इसको साइड में रखते हैं। तो आप दिखाते हैं, देखो जो भाईजर बाइक आता है, जो R15 V3 बोलो, ठीक है, KTM RC बोलो, उसके साइड में बॉडी इंडिकेटर भी लगा सकते हो और पीछे बैक पैनल में भी ये लगा सकते हो। ये DRL है, ये एकदम नया मॉडल है, तो ये आप लगा सकते हो। ओपन करो भाई, ये आपको आप मान के चलो 350 से 400 के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो ये टोटली रबड़ टाइप है, इसमें दो रहता है, ये देखो ठीक है, और बहुत ही प्यारा है। जलाओ भाई एक को, इसमें दो फंक्शन है, ठीक है, एक इंडिकेटर है, एक DRL है। अब देखो ये, देखो ये है इंडिकेटर, आप DRL भी लगा सकते हो, DRL में भी, और मिडिल का पोर्शन में देखो, और मिडिल का पोर्शन का लाइट देखो भाई, वो भी कितना प्यारा लग रहा है, देखो देखो गाइस, ठीक है। और DRL जलाओ, ये देखो ये इंडिकेटर में फिट कर सकते हो, और एक ब्रेक लाइट के साथ फिट कर सकते हो। ये बहुत ही प्यारा चीज है, देखो कितना प्यारा है, एक साथ भी जला सकते हो। हाँ, आप दोनों भी एक साथ में भी जला सकते हो, ये देखो ठीक है, बहुत पावर है, देखो अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है, देखो। तो ठीक है, ये आप V3 या RC में भी लगा सकते हो साइड में, या फ्रंट का जो पैनल आता है वाइजर का, उसमें भी आप ये फिट कर सकते हो। तो आप देखते हैं नया वाला इंडिकेटर, ये बहुत ही प्यारा इंडिकेटर है, बहुत ही छोटा इंडिकेटर है, लेकिन बहुत ही प्यारा चीज है भाई। इसको ओपन करो, इसको एरोप्लेन इंडिकेटर बोलते हैं। हाँ, इसका नाम है एरोप्लेन इंडिकेटर, देखो कितना छोटा है, पीछे भी है और फ्रंट में भी है, ठीक है। तो बोथ साइड में ही आपको लाइट दिखने को मिल जाएगा, तो लाइट जलाओ। तो ये देखो ये है इंडिकेटर, बहुत ही प्यारा है। और कोई फीचर्स है? एक ही फीचर्स है, ऑरेंज में। ये ओ भाई, इसमें भी देखो साइड में भी एक DRL जैसा है, एक ऑरेंज ही मिलता है और ब्लू भी मिलता है, मेरे पास ऑरेंज अवेलेबल है, ये देखो। तो गाइस ये देखो, तो ये आपको 250 के अंदर मिल जाएगा, ब्लिंक करो भाई, बहुत ही पावर है इसमें, देखो ये देखो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये भी आप लगा सकते हो, परफेक्ट प्राइस में नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हो इसका प्राइस हर टाइम अप डाउन होता रहता है। तो ये भी छोड़ दो, ये भी आप लगा सकते हो, देखो कितना प्यारा चीज़ है, देखो कितना छोटा चीज़ है। तो अभी देखते हैं नया क्या है। ये देखो ये बहुत चलता है, ये DRL वाला है, इसमें दो फीचर्स है, हाँ इसको ब्लैक बॉक्स ही बोलते हैं। तो ये देखो येलो में मिलेगा और ब्लू में मिलेगा, ठीक है, बहुत ही प्यारा इंडिकेटर है और बहुत चलता है ये, एक जला के दिखाओ। इसका ब्राइटनेस भी बहुत अच्छा। हाँ, ये इसका जो पावर है
वो भी बहुत अच्छा है, देखो चलाओ भाई। तो पहले देखो ब्लू कलर पावर, देखो गाइस इतना पावर, देखो ये देखो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका हैंड में, देखो ये देखो इतना रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या ही बोलो। ये देखो अभी ये ब्रेक लाइट में आप कर सकते हो, अभी इंडिकेटर दो तो देखो इंडिकेटर का पावर, देखो भाई देख पा रहे हो इंडिकेटर का पावर, देखो बहुत पावर है। देखो ये आप इंडिकेटर में लगाओ और वो जो ब्लू कलर चल रहा है ये आप ब्रेक में लगा सकते हो, ठीक है, बहुत ही प्यारा चीज़ है। छोड़ो ये देखो इसका मॉडल देखो बहुत ही प्यारा है, तो ये आप लगा सकते हो भीतरी में भी लगा सकते हो, आरएस में भी लगा सकते हो, केटीएम में भी लगा सकते हो भाई बहुत। तो ये भी आपको 250 के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो ये एक नया मॉडल है, तो जलाओ इसको, ओपन करो पहले। तो देखो ये जो प्यारा चीज है इसमें दो फीचर्स आपको मिलेगा, एक रनिंग मिलेगा और एक नॉर्मल मिलेगा। नॉर्मल ब्लू कलर है और रनिंग ऑरेंज कलर है। पहले ब्लू कलर दिखाओ, ये देखो भाई कितना प्यारा है, देखो ये आप ब्रेक लाइट में भी कर सकते हो, बहुत ही प्यारा चीज है, देख सकते हो भाई ये देखो बहुत ही पावर है इसमें। तो आप भाई रनिंग दिखाओ, तो ये देखो रनिंग, ये देखो इसमें आपको हैजर लगाने का कोई जरूरत ही नहीं है, ये आप लगा दो भाई बहुत ही प्यारा लगेगा, ठीक है। और इसका छोड़ दो और एक बार ब्लू जलाओ, ये देखो ये आप ब्रेक लाइट में भी कर सकते हो, छोड़ो। तो ये देखो बहुत ही प्यारा चीज है, ये आप आराम से लगा सकते हो आपका बाइक में, ये देखो ऐसे लगेगा बहुत ही प्यारा है। तो ये जो चीज है ये 270 या 280 के आसपास आपको मिल जाएगा, ठीक है। कभी कभी टाइम में 300 हो जाता है और कभी कभी टाइम में 250 में भी मिल जाता है, ठीक है, देख सकते हो भाई बहुत ही प्यारा चीज है। तो छोड़ो इसको भी साइड में करो, और ये तो आपको दिखाया है ये दूसरा कलर है, ठीक है, ब्लैक बॉक्स में जो आता है उसका ही सस्ता है, ये भी उससे सस्ता है, ये 200 के आसपास आपको मिल जाएगा, ठीक है। और KTM में ये भी और एक मॉडल है, ये जो मॉडल है ये थोड़ा उससे ज्यादा प्राइस है, ये देखो क्योंकि इसका जो LED का पावर है ये वाटरप्रूफ है और इसका LED का जो पावर है बहुत ही पावर है बहुत। तो इसका पावर देखो गाइस, चलाओ भाई पावर देखो, ये देखो रिफ्लेक्ट कर, ओरिजिनल परचेस नहीं कर सकते वो लोग, ये लगा सकते हो भाई बहुत ही पावर है, ठीक है। ये देखो ब्लिंक करो, ओरिजिनल जैसा क्वालिटी मिलेगा, हाँ ब्लिंक करो, ये देखो रिफ्लेक्ट हो रहा है, देखो ये देखो रिफ्लेक्शन देखो भाई बहुत पावर है, ठीक है। तो ये जो दो है कितना प्राइस मिलता है, 400 के आसपास मिल जाएगा, 350 से 400 के आसपास उसके मिडिल में ही होता है, ठीक है। तो ये आप लगा सकते हो भाई, ये देखो बहुत ही पावरफुल LED है, ठीक है, ये आप लगा सकते हो, जो ओरिजिनल परचेज नहीं कर पाएंगे वो ये लगा सकते हो। तो ठीक है छोड़ो अभी हो गया है, ये एक है, ये एक मॉडल है जो ये R15 V3 है या V4 भी बोल सकते हो, उसमें भी लग जाएगा जो साइड बॉडी इंडिकेटर है, रेडर में भी लगा रहा है। हाँ ये आप रेडर में भी लगा सकते हो, जिधर भी आपको अच्छा लगेगा आप ये लगा सकते हो। ये नॉर्मल फीचर्स है इसमें, ये आप ऐसे लगा के हैजर लगा सकते हो, ब्लिंक करेगा, देख सकते हो गाइस, ठीक है। ये भी बहुत सस्ता है, ये आपको 150 में मिल जाएगा, ठीक है, ये देखो बहुत ही सस्ता है। तो ठीक है, तो ये तो सारा चीज मैंने दिखा दिया है आपको, जो भी है आप कमेंट करके बोल सकते हो, मैं उसका प्राइस उस दिन का जो प्राइस चल रहा है वो मैं बोल दूंगा। अभी ये जो ओरिजिनल HJG का हेवी ड्राइव और ये जो मिनी ड्राइव है ये आपको दिखाएंगे, ठीक है। और एक चीज है ये देख सकते हो, ये हैंडल बार लाइट है, बहुत ही प्यारा चीज है और बहुत ही सस्ता चीज है, ये आप इंडिकेटर के साथ भी कर सकते हो और ब्रेक लाइट के साथ भी कर सकते हो, देखो कितना प्यारा चीज है, देखो हाँ पीछे में वो जो मार्गर्ड है ना, मार्गर्ड में ऐसे करके डील करके लगा सकते हो, उसमें भी आपको अच्छा लुक मिलेगा। तो जलाओ, इसमें दो फीचर्स आता है, एक इंडिकेटर के साथ जलाओ और एक ब्रेक लाइट के साथ जलाओ, ये आप इंडिकेटर के साथ जला सकते हो, ऑरेंज कलर है, और ये देखो ये व्हाइट कलर है, ये आप ब्रेक लाइट के साथ भी जला सकते हो भाई, लाइट भी, हाँ आप ये सो लाइट में भी कर सकते हो, फोर इंडिकेटर में भी कन्वर्ट सकते हो, जो मर्जी है आपका वो कर सकते हो, देखो कितना प्यारा जल रहा है देखो, ठीक है। इसका प्राइस बहुत ही सस्ता है, 150 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है चलो इसको साइड में करो, अभी आपको दिखाएंगे मिनी ड्राइव। तो ये है मिनी ड्राइव, मिनी ड्राइव चला के दिखाओ भाई, ओपन करो। तो ये है ओरिजिनल HJG का मिनी ड्राइव, ये है ओरिजिनल HJG का हेवी ड्राइव। इसका जो वेट है ना भाई क्या ही बोलूं, इसमें ब्लास्टर आता है और ये नॉर्मल है। तो देखो ऐसे सील होके आता है, सील ओपन करना पड़ता है। तो ये है मिनी ड्राइव, तो देखो बॉक्स में ऐसे आता है, ठीक है।
कुछ नट वगैरह रहता है, एलांकी दिया हुआ रहता है, ये देखो ठीक है, क्लैम दिया हुआ रहता है। तो लाइट जलाओ, एक लाइट जलाओ भाई, लोगों को पता चल जाएगा इसका पावर। पहले जो आता था पीछे HJG लिखा हुआ आता था, उसको भी कॉपी कर लिया है। तो ये देखो HJG का ब्रांडिंग नीचे कर दिया है, ठीक है। तो लाइट जलाओ भाई, तो देखो भाई डे में ही पावर देखो, ठीक है। ये है मिनी ड्राइव, पावर देखो, ठीक है, ये देखो। तो अभी ये येलो जल रहा है, व्हाइट जलाओ। तो ये देखो, ये है व्हाइट लाइट का पावर देखो, हाँ उतना ये लाइट स्प्रेड होगा भाई, ये देखो ठीक है। ये देखो हुआ है, और ये साइड में रखो, अभी हेवी ड्राइव को ओपन करो। हेवी ड्राइव का पावर ही ऐसा है ना भाई, बहुत इसका वेट भी बहुत ज्यादा है, इसका पावर भी बहुत ज्यादा है। तो एक कस्टमर के दिखाने के लिए ये सील ओपन किया था, तो अभी भाई ओपन करो। तो ये देखो दो ब्लास्टर रहता है ऐसे, ठीक है। और ये देखो हम क्लैंप भी इसमें लगाया, फिट किया है, देखो भाई इसका जो वेट है ना, क्या ही बोलूं भाई। तो ये ब्लास्टर के साथ आता है, ये देखो ये HJG का ब्लास्टर, ठीक है। तो भाई जलाओ, जो भाई ने बहुत टूरिंग करता है ना उसके लिए ये लाइट परफेक्ट है, ठीक है। ये लाइट इतना हीट भी नहीं होता है, ब्लास्टर दिया हुआ है, परफेक्ट लाइन आता है। और ये देखो इसमें एक जैक रहता है, तो लाइट जलाओ भाई। तो देखो भाई ये है इसका येलो लाइट, लाइट का पावर देखो, ये देखो देखो गाइस, ठीक है। ये है इसका येलो पावर देखो, व्हाइट जलाओ। तो ये देखो इसका व्हाइट लाइट का पावर देखो गाइस, ये देखो जितना दूर फेंकोगे उतना दूर जाएगा भाई, जितना दूर फेंकोगे उतना दूर जाएगा, ठीक है। ये देखो, तो गाइस देख सकते हो हेवी ड्राइव मिनी ड्राइव, बहुत सारा इंडिकेटर वगैरह सब कुछ आपको दिखाया है। और ये वीडियो आप यदि सबको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। तो आप कमेंट कर सकते हो इसका प्राइस वगैरह जानने के लिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस जाओ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो, और साइड में जो बेल आइकन है वो प्यार से दबा देना। तो ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई धमाकेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।